देख रहे हैं सामना लाइव न्यूज, मैं हूं मानवन सिंह। देखेंगे आज की बड़ी खबर। विधायकों की पिटाई के खिलाफ निकाला धिक्कार मार्च। बिहार समस्तीपुर जिले में विधायकों की अभद्रता और पिटाई के खिलाफ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले ने धिक्कार मार्च निकाला। इसमें बड़ी संख्या में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले के कार्यकर्ताओं ने शहर के मालगोदाम चौक पर एकजुट होकर अपने अपने हाथों में नारे, डंडे, बैनर लेकर धिक्कार मार्च निकाला, जो मुख्य मार्गों से गुजरकर स्टेशन चौक पहुंचकर सड़क जाम में तब्दील हो गया, जहां नीतीश सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। यहां पर एक सभा आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता उमेश कुमार ने की। सभा को संबोधित करते हुए उमेश कुमार ने कहा कि बिहार की नीतीश सरकार केंद्र की भाजपा के मोदी सरकार के रास्ते चल रही है। माले कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री एवं विधानसभा अध्यक्ष से इस्तीफा देने, इस घटना के लिए माफी मांगने की बात कही। वापस लो। प्रोफेसर उमेश कुमार को सुन रहे थे। मैं उन्होंने पूरी वाक्यात आपके सामने रखी। मैं एक बार जोड़ना चाहता हूँ कि बिहार सशस्त्र पुलिस कानून जो अभी लाया गया है वो क्या है, अभी जो कानून चल रहा था उसके निकट आपके घर में सर्च करने के लिए पुलिस को वारंट की जरूरी होती। आपको किसी भी मामला में गिरफ्तार किया जाता है, 24 घंटे के अंदर अदालत में आपको उपस्थित कराना होता, आपको एक आरोपी के तौर पर भी आपके अधिकार थे, आप पर अंदेशा का लाभ उठा करके कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हो सकती थी। लेकिन अभी जो पुलिस राज कानून लाया गया, इसमें पुलिस जब चाहे अपने विरोधियों को, सरकार के आलोचकों को उठा करके हाजत में बंद कर देगी। आप देखे हैं अखबार और टीवी चैनल के द्वारा हम लोगों को, सभी को जानकारी है कि विधानसभा के अंदर में जो विधेयक पुलिस सशस्त्र वाहिनी के बीएमपी को जो स्पेशल पावर दिया गया है, उस पावर का संबंधित एक विधेयक विधानसभा में लाया गया था। विपक्षी, तमाम विपक्षी मिलकर उसका विरोध दर्ज कर रहे थे, शांतिपूर्ण तौर तरीका से विरोध कर रहे थे। इसी बीच में ये मुख्यमंत्री की जो बहसी सरकार है, इसका अध्यक्ष है, उसके द्वारा पुलिस को बुलाया गया, कलेक्टर को बुलाया गया, एसपी को विधानसभा के अंदर में बुलाया गया।